अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में जो हम आपके लिए वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं, ये ख़वातीन के बालों के तमाम मसाइल का हल है। ये जो हम आपको आज वजीफ़ा बताएँगे, ये एक ऐसा अमल है कि जो ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि उनके बाल जो हैं वो गिरते हैं, बालों का रुखापन है, दो मुँहें बाल हैं, इसके अलावा बाल जो है वो वक़्त से पहले सफ़ेद हो चुके हैं। तो उन तमाम मसाइल का हल जो है वो आज के इस वीडियो में मौजूद है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और इस वजीफे को बड़े गौर से देखिएगा, आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने वजीफे की जानब। तो वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएँ। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा जो फेसबुक का पेज है उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसके साथ साथ अगर आप अपना नाम ख़ास दुआ में शामिल करवाना चाहते हैं तो अपना नाम जो है वो नीचे कमेंट में लाजमी लिखें, ताकि आपका नाम जो है वो ख़ास दुआ में शामिल किया जा सके। तो बढ़ते हैं अपने वजीफे की जानब। तो नाज़रीन कराम, वो ख़वातीन जिनके जो बाल हैं वो अगर बाल गिरते हैं, ठीक है, इसके अलावा बालों का रूखापन, ठीक है, इसके अलावा जो बाल हैं बालों का वक़्त से पहले सफ़ेद होना, ये जितने भी सारे जो हैं वो आप अगर इनमें ये जो जितने भी मसाइल हैं तो इनका जो इलाज है वो इस वीडियो में मौजूद है। आप अभी जो मैं आपको मुसीबत बताऊंगा, तो आपने करना क्या है, आपने जो तेल घर पे आप इस्तेमाल करती हैं बालों के लगाने के लिए, वो कोई सा भी तेल है, वो नारियल का तेल भी हो सकता है, सरसों का तेल भी अगर है वो भी हो सकता है, कोई सा भी तेल जो आप इस्तेमाल करती हैं उसके ऊपर आपने एक बार सूरह शम्स पढ़नी है। ठीक है, सूरह शम्स एक बार आपने सूरह शम्स पढ़नी है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। ठीक है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ एक बार या तीन बार, और एक बार जो है वो सूरह शम्स पढ़नी है। आपने ये सूरह शम्स जो है वो सुबह शाम आपने पढ़नी है। ठीक है, सुबह शाम आप पढ़ के इस्तेमाल करें, या अगर आप सुबह शाम नहीं पढ़ सकते तो आप फिर दिन में एक मरतबा जो है वो सूरह शम्स पढ़ के उस जो वो तेल है उसके ऊपर आपने उसे दम करना है और फिर आपने ये तेल इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह ताला आप कुछ ही अर्सा आप इसको इस्तेमाल करें, कुछ हफ्ते या कुछ महीने, तो आपको इसका बड़ा फ़ायदा मिले होगा। और इसका जो रिज़ल्ट है वो 100% रिज़ल्ट होता है इसका। ठीक है, ये बहुत से लोगों ने आजमाया है इसको, 100% इसका रिज़ल्ट आता है। तो आपके जो ये जो मसाइल हैं, बालों का गिरना या बालों का रूखापन, बालों का दो मुँह होना, बालों का वक़्त से पहले सफ़ेद हो जाना, ठीक है, ये सारे मसाइल जो हैं वो इस एक अमल से इंशाल्लाह ताला आपके हल हो जाएंगे। तो आप इसको ज़रूर एक बार आजमा के देखिएगा, आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा। और आप ये वीडियो जो है वो दूसरे लोगों तक भी ज़रूर पहुँचाइए जो इन मसाइल का जो शिकार हैं, जिनके बाल जो हैं वो इस तरह बालों की वजह से परेशान हैं। तो आप ये वीडियो उनको भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको भी जो है वो फ़ायदा होगा। तो ये सदका जारिया होता है, क्योंकि जैसे अच्छी चीज़ आप आगे भेजेंगे या फैलाएंगे उसको, तो उसका आपको भी सवाब होगा। तो हम बहुत सारा दिन में बहुत चीज़ें ऐसी जो है वो शेयर करते हैं जो बिल्कुल भी जिनका कोई मकसद नहीं बनता। तो ये जो अगर आप अच्छी चीज़ फैलाएँगे तो उसका आपको भी जो है वो सवाब होगा, आपको भी उसका फ़ायदा होगा और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो नेकी को फैलाना भी जो है वो सदका जारिया होता है। तो आप ये वीडियो जो है वो दूसरे वक्त तक ज़रूर जो सेंड करें, भेजें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई मसला है तो आप हमें कमेंट में बताएँ। वैसे हमने अपने जो चैनल के ऊपर वजीफ़ा ऑफिशियल का जो हमारा चैनल है उसके ऊपर हमने बहुत से वज़ाइफ़ लगाए हुए हैं, जिसमें हर जो है वो मकसद के लिए, हर परेशानी के लिए जो वजीफ़ा मौजूद है। अगर आपको कोई ऐसा परेशानी है जिसके बारे में आप वजीफ़ा चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे वजीफ़ा नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, हम उसके ऊपर जो है वो एक वीडियो बनाकर
एक बुरा जो है वो आपको हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे आपके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसके अलावा जो है वो हमारे चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और अमल के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।